हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सचिन और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के जरूर बात करते हैं कि आप अपने चैनल को कैसे सिक्योर कर सकते हैं या उसे हैकर के हाथों से बचा सकते हैं, जिससे आपका चैनल कभी हैक ना हो पाए। तो कुछ टिप्स आपको इसमें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप किस टाइप से अपने चैनल को कुछ ऐसा कर देंगे कि आपका चैनल चाह के भी कोई हैक नहीं कर सकता। तो गाइस, क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं कि भाई मेरा छोटा चैनल है, मुझे क्या दिक्कत है, कौन मेरा चैनल हैक करेगा। भाई, यूट्यूब पे आए तो छोटा होने के लिए नहीं आए, कभी ना कभी तो आपका चैनल ग्रो होगा या आपका भी नाम होगा, तब आपका चैनल हैक हो जाए, फिर क्या करेंगे, सारी की मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी जितनी आपने करी है। तो आपको पहले से ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका कोई भी डाटा लीक ना हो और कोई भी आपका चैनल हैक ना कर पाए। तो क्या होता है कि हैकिंग ऐसे नहीं हो जाती है, हैकिंग के लिए काफ़ी जो हैकर्स होते हैं वो काफ़ी अपने आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाते हैं या कई सारी आपकी वीडियो देखेंगे जो आपकी, जिसमें आपने कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें डाली होगी, जैसे नंबर डाल दिया, जीमेल डाल दी, इस टाइप से आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर आपको अटैक करते हैं। तो उस अटैक से क्या होता है, आपका चैनल बिल्कुल भी नहीं बच पाता है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे चुके होते हैं और कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ जरूर की होती है। तो आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अपने चैनल पर करना है और जिससे आपका चैनल कभी हैक ना हो पाए। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस किस टाइप से आप अपने चैनल को सिक्योर कर सकते हैं या हैक होने से बचा सकते हैं। पहले तरीके की बात करें तो पहले तरीका निकल के आता है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। अगर दोस्तों आपका जीमेल का पासवर्ड किसी को बंदे को पता चल जाता है या किसी भी तरीके से वो हैक कर लेता है या जान लेता है, तो इससे टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होगा, अगर वो किसी मोबाइल में आपके जीमेल डालेगा या पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करेगा, तो लॉगिन करने से पहले आपके फ़ोन में एक पॉपअप मैसेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अगर आप इस पर यस करेंगे तो आप वो लॉगिन कर पाएगा, अगर आप नो कर देते हैं तो इस पर लॉगिन नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होता है, अगर दोस्त को पासवर्ड भी पता चल जाएगा तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर दूसरा तरीका निकल के आता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी वेबसाइट। अगर किसी आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पे या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे अगर आप अपनी जीमेल देते हैं तो बहुत चांस है कि आपके जीमेल का पासवर्ड या आपकी जीमेल हैक हो सकती है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपका चैनल भी हैक हो जाएगा इससे और आपका काफ़ी सारा डाटा भी लीक हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अगर चाहें तो आप उस पर अपनी जो आपकी यूट्यूब वाली जीमेल है वो ना देखकर किसी और रिकवरी जीमेल को आप बना लीजिए, सेकेंड जीमेल, उसका आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो तीसरा तरीका ये आता है कि आप गूगल प्ले पे जाके प्ले प्रोटेक्ट पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पर आपको अनेबल कर लेना है। इससे क्या होगा, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो अगर आपकी वो डाटा लीक कर सकती है या किसी प्रकार से आपके फ़ोन को या आपके किसी भी अकाउंट को हानि पहुँचा सकती है, तो ये आपको इंस्टॉल नहीं होने देगा और आपको वार्निंग पहले से दे देगा। तो आपको ये चीज़ करना है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, आपको एक रिकवरी जीमेल बना लेनी है और ज़्यादा का उसी जीमेल का आप यूज़ करिए, अपने अकाउंट में भी डालिए, लेकिन आपको जो रियल यूट्यूब वाली आपकी जीमेल है वो उसको आप कहीं भी शो नहीं करिए, किसी भी एप्लीकेशन पर शो नहीं करिए, आप सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए इस्तेमाल कीजिए और जो यूट्यूब के ऐप है उनमें आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप किसी में उसका यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कुछ टिप्स है, आप इसको फॉलो कीजिए। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप अपना पासवर्ड कभी भी आप अपना पासवर्ड सीधा सीधा ना रखें, जैसे कोई कहता है कि नंबर रख लिया, नेम रख लिया, भाई गलत है ये। आप अपना पासवर्ड कुछ ऐसे ऐसे अल्फाबेट का यूज़ करें, अल्फाबेट यूज़ कर सकते हैं या कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार का ऐसे कीजिए ताकि पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाए कि कोई बंदा अगर उसको एक्सेस करना भी चाहे या उल्टा सीधा पासवर्ड करना चाहे तो उसको एक्सेस ना कर पाए। ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक बार और बता देता हूँ आपको, अगर आपको कभी भी कोई ईमेल आता है या मेल आता है किसी भी यूट्यूब की तरफ से या किसी भी तरफ से, अगर आपको कोई पासवर्ड मांगता है या आपके अकाउंट की डिटेल मांगता है तो आप बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि यूट्यूब आपकी अकाउंट की डिटेल नहीं मांग सकता। और कोई भी वेबसाइट अगर आपको कोई भी आता है कि मुझे आप जीमेल बता दो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप किसी को भी अपना जीमेल या पासवर्ड नहीं दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अगर दे दिया तो आपका चैनल तो समझो गया। तो गाइस, ये कुछ टिप्स थी जिनको आप फॉलो करके अपने यूट्यूब चैनल को सेव कर सकते हैं और हैकर के हाथ से बचा सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका चैनल कभी हैक नहीं होगा, आप यूट्यूब पर आराम से काम कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या टू स्टेप वेरिफिकेशन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता दीजिए या कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो दोस्तों, शायद आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो गाइस, मिलते हैं अगली एक ऐसी धमाकेदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।